आज आपके सामने है। मैंने नारियल गलत पूछा था और प्राचार्य जी ने मुझे नारियल की कटर बताया, मैं इनका आभारी हूँ। दूसरी बात, मुझे यह जो आप लोगों को मैंने पत्र दिया वो भी मुझे पकड़ने नहीं आता था और इन्होंने मुझे सिखाया, मैं इनका आभारी हूँ। आपके प्राचार्य जी बहुत ही अच्छे हैं और इनके सानिध्य में इनके साथ रह के आप लोग भी आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। मैं छोटी छोटी दो तीन बातें कहूंगा, मुझे बोलने नहीं आता। हम जो कुछ भी हैं समाज में और अपने घर में, मैंने क्लास वन में अपने छोटे बच्चों को काफी दिन पहले पढ़ाया होगा, उसमें विदेश के किसी व्यक्ति की एक कहानी थी कि वह व्यक्ति अपने माँ बाप को काट के बर्तन में भोजन देता था। उनका एक छोटा बच्चा था, 4 वर्ष का। उस 4 वर्ष के बच्चे ने देखा रोज मेरे दादा दादी को ये इसलिए भोजन देते हैं, काट के बर्तन में भोजन देते हैं। उसने घर में से एक काट का टुकड़ा लाया और रात में उसको काटना शुरू किया। माँ बाप ने देखा, फिर ये क्या कर रहे हो? पूछा, बोले मैं कठोरता बना रहा हूँ तो क्या होगा? बोले आप लोग जब वृद्ध हो जाएंगे तो मैं उसमें आपको भोजन दूंगा। तो ये हम घर से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने संस्कारों से सीखते हैं और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। पर यह शुरुआत भी जैसे आपके माँ बाप या मेरे माँ बाप जो बहुत शिक्षित नहीं थे, अब बहुत उनका अनुभव नहीं था, उन्होंने कुछ गलत किया, तो आपका सबका कर्तव्य बनता है तो मुझे बताएं पिताजी दादाजी ऐसे करके तो विनिष्ठों को मिलेगा, उनको आनंद मिलेगा, यह आपका और हमारा कर्तव्य है। तो हमारा समाज हम कैसे बदलें? समाज इतना बदल गया है, हम बदलें कैसे? बदलने के लिए ये जो पीढ़ी है ये सामने आए, ये आगे आए, आज के ये जो हमारे प्रोफेसर हैं ये सामने आए, ये देखें अपने घर के भी घर क्या हो गए, ये बच्चे क्या करते हैं, ये नाती पोते क्या करते हैं, वो उनको आगे बढ़ाएं, उनको शिक्षित करें। तो दो बातें होंगी, एक बात, दूसरी बात ये है हम पश्चिमी सभ्यता की ओर आगे जा रहे हैं। यह वृद्ध दिवस पश्चिमी सभ्यता की एक देन है। हमारे संस्कृत में, हमारे आचार विचार में प्रतिदिन हमारा मातृ दिवस है, प्रतिदिन हमारे दादा दादी का दिवस है, प्रतिदिन हमारे बच्चों का दिवस है। यह बात मेरे लोगों ने मनाया है, आप देखेंगे मेरे पास वो नोट भी है कि हमारे कैसे कैसे, हम लोगों ने वेदों में लिखा हुआ है कि कैसे है कैसे हम मनाते थे। आज मातृ दिवस है, आज डॉक्टर्स डे है, आज पेरेंट्स डे है, आज फादर्स डे है, यह सब आज की बनाई हुई चीजें हैं। आप अपने अपने धर्मों अपनी चीजों को देखिए और उनसे सीखिए और उनसे आगे बढ़िए, उनसे शिक्षा लेके आप बदलिए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। हमें रोज वृद्धों की सेवा करना है, वृद्ध दिवस है, वृद्धों को लेकर एक वृद्ध दिवस है, माता पिता की सेवा करना है, वृद्ध दिवस है। तो हम अगर रोज नहीं करें और वर्ष में एक बार मना लें, ओ आज मदर्स डे है चलो माँ की सेवा कर लें, आज फादर्स डे है चलो फादर का जरा ये कर दें, वृद्ध दिवस है वृद्धों को जाते हैं, कोई फायदा नहीं इसका। हमें फायदे की बात करनी चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए, इसलिए हमें यह चेष्टा रखनी चाहिए कि हम कैसे अपने को सुधारें। हमारे समाज में जो खराबियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं, हम उनको कैसे ऊपर लें, कैसे बदलें, इस जरूरी यह आवश्यक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये तीसरी बात यह है, वृद्ध को वृद्ध न कहें। वृद्ध को अगर आप वृद्ध कहते हैं तो आप उसका अनादर करते हैं। मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे कंपनी की पार्टनर भी है, मैंने अपने को वृद्ध कहा, बेटा नहीं आप अपने को वृद्ध मत कहिए, आप वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ कहिए, वृद्ध मत कहिए। वृद्ध दिवस को मनाना है, हम तो रोज मनाते हैं, रोज सेवा करते हैं, तो वृद्ध को वृद्ध करके वृद्ध का अनादर।
किसी को भी आप लगे तो लगे कहेंगे उसे कितना खराब लगता है। वृद्ध को अगर वृद्ध कहेंगे उसका अनादर होगा, उसका अनादर मत करिए। वृद्ध दिवस आप रोज मनाइए, एक दिन मना के कोई ठीक है, सिंबलिक रूप में आप मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। पर वह भावनाएं जो हम आप प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, उसको रोज अपने दिल में अपने हृदय में ले आइए और व्यवहार में उतारिए। जब तक व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक इन दिवसों को मनाने का कोई अर्थ नहीं है। आप व्यवहारिक रूप में करिए, और बहुत कुछ नहीं कहते जाना है, ऑफिस में ये काम भी करना पड़ता है ना, तभी काम करता हूँ। होम्योपैथी ऐसी विधा है जैसी कोई भी विधा नहीं है जो दवाइयों वाली विधाएं हैं, एलोपैथी आयुर्वेदिक और जितने भी हैं, होम्योपैथी के बराबर कोई नहीं। मैं देख रहा हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जो बच्चे जन्म से उठ नहीं सकते थे, जन्म से बिस्तर पे हैं, वो होम्योपैथी की एक दो कुछ महीनों में कुछ चलने लगे। मेरे यहाँ ऐसा मेरी थोड़ी सी जो मैं काम सुबह हो जाती है, मैं कुछ नहीं करता, तो वहाँ मैं देखता हूँ, मैं दवाइयाँ देता रहता हूँ, मेरे डॉक्टर्स कहते हैं सर ये बच्चा चलने लगा, ये बच्ची बोलने लगी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तब मैं देख पाता हूँ वो ये की है कि कमाल है, अभी कुछ दिन पहले 3-4 महीने में एक बच्चा बोलने लगा, एक बच्चा चलने लगा, बड़ा आश्चर्य होता है। तो आपको अच्छा, मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं सर हम तो एलोपैथी में जाना चाहते थे, पर अब हमें कोई कहे कि आप एलोपैथी पढ़ लो और उसके चले जाओ तो हम नहीं जाना चाहते, और हमें फख्र है, हमें गर्व है कि हम होम्योपैथी में आए। एक चिकित्सक के हिसाब से सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि सेवा की भावना अगर नहीं है, सेवा की भावना अगर चिकित्सक में नहीं है तो वह चिकित्सक बेकार है, आप बुरा ना माने, पर ये मेरे अपने विचार हैं। तो सेवा की भावना तो होनी ही चाहिए, सेवा की भावना होगी तो आप सही, ये नहीं कि आप फीस मत कीजिए, भाई आपका भी खर्चा है आपको करना है, लेकिन सेवा की भावना से करिए, सेवा की भावना से करिए। हम लोग की परिस्थितियाँ, हमारे इस प्रदेश की परिस्थितियाँ देखिए, मैं जैसे नर्सेज हैं, हमारे यहाँ की नर्सेज और दक्षिण की नर्सेज, दक्षिण से मतलब आजकल तो सारे ईसाई हो गए हैं, सारे प्राय ईसाइयों वाले हैं, पर उनमें तो सेवा की भावना है, हमारे यहाँ लोगों में नहीं है, अब वो किसी भी धर्म के हो, पर सेवा की भावना तो बहुत आवश्यक है। और कहने में बहुत कुछ है पर मैं उसे बोलना नहीं चाहता हूँ, तो थोड़ा जब निकल जाता है तो बोलने लगता हूँ, ये सारी बातें बस केवल ये है कि आप आगे बढ़िए, सेवा की भावना जरूर मन में रखिए, जिससे आपका कल्याण होगा, आपके कल्याण के लिए।